हाय दिस इज वन एंड ओनली ROHIT भारद्वाज। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड मूवीज की टॉप 10 कॉमेडी मूवीज के बारे में, जो कि बेसिकली छोड़ गई है अपनी छाप, जिस मूवी को हम कह सकते हैं सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, हिस्टोरिक एंड ना जाने कितने सारी तारीफें हम लोग इस मूवी की कर सकते हैं। तो कौन सी है वो टॉप 10 वीडियोज और टॉप 10 मूवीज, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, विद द स्टार कास्ट, विद द नेम, विद द अर्निंग, विद द बजट, सब कुछ बात करेंगे। तो यार वीडियो के अंत तक बने रहना। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। वीडियो शुरू से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। यूं तो बॉलीवुड में ना जाने डेली बेस पे आज के टाइम में कितनी सारी मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन बात करें कुछ बीते दिनों की और बीते सालों की, तो कुछ मूवीज ऐसी रही है जो कि बेसिकली आज भी अगर देखे तो ना जाने उस मूवी को हम लोग कितनी बार रिपीटेशन में आज भी देख सकते हैं। So, सबसे पहले नंबर पे बात करें तो आती है 2000 में रिलीज हुई हेरा फेरी। इस मूवी के अंदर हम लोगों को स्टार कास्ट दिखाई दी थी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल एंड तब्बू। बजट की बात करें तो इस मूवी के अंदर का जो बजट था वो था उस टाइम के अकॉर्डिंग 7.5 करोड़, और इस मूवी ने जो अर्निंग करी थी वो थी करी थी अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ की। और इस मूवी की सबसे अच्छी खास बात है कि इन तीनों का ट्राई हो, यानी कि सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल, ये यादगार बन गया। और इस मूवी के अंदर हर एक सेकंड आपको ऐसा लगता है जहां पे आप हंस हंस के लोटपोट ना हो सके, ऐसा कोई भी सीन नहीं है जहां पे आप हंस ना सकते हो। सेकंड नंबर की बात करें तो मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त यानी कि मुन्ना भाई और अर्शद वारसी यानी कि सर्किट की ये जोड़ी बॉलीवुड पे धमाल मचा के गई थी। कब? 2003 में। इस मूवी के अंदर हम लोगों को इमोशनल ड्रामा और कॉमेडी जो देखने को मिली थी, और ना जाने कितनी प्यारी लाइफ मोटिवेशन हम लोगों को देखने को मिली थी। इस मूवी का बजट था बेसिकली 5 करोड़ और इस मूवी ने बेसिकली कमाए थे 35 करोड़। बात करें थर्ड नंबर की तो थर्ड नंबर पे आते हैं हमारी 3 Idiots मूवी, जो कि सबकी फेवरेट है, मेरी तो द मोस्ट फेवरेट है। ना जाने कितनी बार इस मूवी को देख चुका हूं मैं। 2009 में आई हुई और इसकी स्टार कास्ट है बेसिकली आमिर खान, करीना कपूर, आर माधवन और शर्मा जोशी। इस मूवी का जो टोटल बजट था वो था बेसिकली 55 करोड़, और इस मूवी ने जो टोटल अर्निंग करी थी वो थी बेसिकली 400+ करोड़, यानी कि 400 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस इसने कम टाइम में कर लिया था। फोर्थ नंबर की बात करें तो गोलमाल फन अनलिमिटेड, इस ये 2006 में आई थी और इस मूवी के अंदर हम लोगों को देखने को मिले थे अजय देवगन, अर्शद वारसी। अर्शद वारसी देखिएगा हर मूवी में लगभग रिपीट हो रहे हैं, अर्शद वारसी, तुषार कपूर एंड शर्मन जोशी। इस मूवी का बजट था बेसिकली 20 करोड़ और इस मूवी ने कमाए थे टोटल 70 करोड़। इस नेक्स्ट मूवी की बात करें यानी फिफ्थ नंबर की बात करें तो धमाल मूवी 2007 में आई थी, और ना जाने ये मूवी यार कितनी बार भी देख लो मतलब मन भरता ही नहीं है। संजय दत्त, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख और एक और एक्टर थे, मैं नाम भूल गया उनका, बट हाँ इस मूवी का बेसिकली बजट था 20 करोड़ और इस मूवी ने जो कमाए था अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ रुपए कमाए थे। नेक्स्ट की बात करें तो छठे नंबर पे आती है चुपके चुपके। इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं परेश रावल, राजपाल यादव, शाहिद कपूर एंड करीना कपूर। इसके अंदर बेसिकली 15 करोड़ का बजट था और इस मूवी ने कमाए थे अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़। और सबसे अच्छी बात है इस मूवी के अंदर राजपाल ने जो काम किया है काबिले तारीफ है, सुपर डुपर आउटस्टैंडिंग। सेवन नंबर की बात करें तो वेलकम, जिसमें हिमेश रेशमिया सर का म्यूजिक था और गाने सुपर हिट थे, नो डाउट। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ एंड परेश रावल, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, ये सब हम लोगों को स्टार कास्ट देखने को मिली थी वेलकम मूवी में। इस मूवी का बजट था बेसिकली 32 करोड़ और इस मूवी ने कमाए थे अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ रुपीज विद नो टाइम। और इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि नो डाउट यार इतनी प्यारी मूवी, इतनी स्मूथ मूवी, मतलब हर एक चैप्टर में कॉमेडी, अमेजिंग। 8 नंबर की बात करें तो भूल भुलैया मूवी, जो कि बेसिकली मौंजलिका आज भी हमें याद दिलाती है। 2007 में रिलीज हुई ये मौंजलिका वाली मूवी, अक्षय कुमार, विद्या बालन एंड शाइनी आहूजा की ये सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर कॉमेडी हिट मूवी और हॉरर मूवी भी कह सकते हैं। 30,000 इसका बजट था और इस मूवी ने कमाए थे 125 करोड़ रुपीज। 9 नंबर की बात करें तो हाउसफुल मूवी है, 2010 में ये रिलीज हुई है और इस मूवी के हम लोगों मूवी के अंदर हम लोगों को देखने को मिले अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण एंड रितेश देशमुख। इस मूवी का बजट था बेसिकली 30 करोड़ और इस मूवी ने बेसिकली कमाए थे 130 करोड़ रुपीज। काफी ज्यादा अच्छी मूवी थी, मैं तो लिटरली कह रहा हूँ अक्षय कुमार ने इतनी सुपर डुपर हिट मूवी दी है, ना जाने आज के टाइम में क्या हो गया अक्षय कुमार को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्यार का पंचनामा। भाई जिसका भी दिल टूटा है यार प्यार का पंचनामा देख लो, 2011 में आई थी। इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिले थे कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा एंड दिव्यांदु शर्मा। इस मूवी का बजट था बेसिकली 7 करोड़ और इस मूवी ने कमाए थे टोटल 17 करोड़। ये थी हमारी बॉलीवुड की टॉप 10 कॉमेडी मूवीज। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। इस मूवी में तो ये थी हमारी बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज। अगर आप लोगों ने इसमें से कोई मूवी ना देखी हो तो प्लीज जरूर बताना और जाके जरूर देखना, कमेंट बॉक्स में बताना आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो चलेगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, और बेल आइकन को भी जरूर दबाना। मिलते हैं हम लोग एक नई नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी होगी हमारी नई नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं। तब तक जय माता दी, लेट्स रॉक।